नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चित लाए, पूरन करो ग्रंथ है तुम मोह करो सहाय, तुम मोहे करो सहाय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी दी पावन यात्रा बारे विवरण। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ असी सारे ही हेमकुंड साहिब जिथे दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्वले जन्म विच दुष्ट दमन दे रूप विच तपस्या करके कई जुग उस हरि पिता परमेश्वर की आराधना विच बिताए, ते जिथों आप जी नूं दुष्टां ते पापियां दे संघार लई पिता परमेश्वर ने सारे वरदान दे के इस मात लोक विच भेजिया। उस पावन पवित्र तपो भूमि दे दर्शन करके अपने जन्म सफल करिए। साहिबे कमाल महा तपस्वी महा त्यागी सरबंस दानी शमशेरे बहादुर ते अमृत के दाते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी अजीम रचना बचित्तर नाटक विच जिथे अपने तो पहला आए अवतारा पीरा औलिया ते होर अनेकां देवी देवतियां बारे जानकारी दित्ती है। उथे अपने पूर्वले जन्म बारे भी जिक्र करदे होए लिखिया है, सब करदे नूं लियांदा जिवें हरि ने, सब करदे नूं लियांदा जिवें हरि ने, आप मैं अपनी कथा बखानू अब मैं अपनी कथा बखानू, तप साधित जह विद मोह आन, हे मुकुंट पर्वत है जहां, हे मुकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग सोबत है तहां, सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, पंडो राज जय जोग कमावा, कथा मैं सुना माई अपनी, कथा मैं सुना माई अपनी, कथा मैं तप करदे नूं लियांदा जिवें हरि ने, 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 कथा मैं सुना माया बणी, 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 तय हम अधिक तपस्या साधी, तय हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का यरादी, ऐ विद करत तपस्या पया, दुवै ते एक रूप हो गया, तात मात मुर अलख यरादा,
भाव विधि योग साधना सदा कथन सुना माया अपनी कथन सुना माया अपनी कथन तप करदे नूं लियांदा जिमे हरी ने तप करदे नूं लियांदा जिमे हरी ने तप करदे नूं लियांदा जिमे हरी ने कथन सुनो मैं अपनी कथन सुनो मैं अपनी कथा में सुना माया अपनी कथा में सुना माया अपनी तिन जो करी अलख की सेवा तिन जो करी अलख की सेवा ताते पै परसन गुरुदेवा ताते पै परसन गुरुदेवा तीन प्रभ जब आए समोहे दिया तब हम जन्म कलू में लिया तब हम जन्म कलू में लिया कथा में सुना माया अपनी कथा में सुना माया अपनी कथा में गुरु प्यारी साध संगत जियो आज लखा ही श्री गुरु नानक नाम लेवा संगता इस अदुत्ते ते पूज निक तप अस्थान दे दर्शन करके अपना जन्म सफला कर रही हैं। हर साल तकरीबन 5 लाख यात्रु इस पावन भूमि दी चरण वंदना करन संसार दे कोने कोने तो आउंदे हैं ते अपनियां झोलियां रहमतां नाल भर के खुशियां प्राप्त करदे हैं। वैसे तो यात्रु अपनी सुविधा मुताबक अपने अपने टोलियां नाल इस स्थान दे दर्शनां लई आउंदे हैं, पर जे इस सचखंड दे दर्शन किसी महापुरख संत फकीर नाल कीते जान तां इस दा फल कई गुणा वध जांदा है, क्योंकि महापुरखां दी सरपरस्ती विच इन्हां तीर्थां दी यात्रा केवल एक टोंग जां सैर सपाटा ना होके एक महायग दा फल दिंदी है, क्योंकि महापुरख सारे रस्ते यही कोशिश करदे हन कि उन्हां नाल आए प्रेमी यात्रु इस तीरथ दा पूरा पूरा फल प्राप्त करन ते अपना जन्म सवार लैण। ओ आप भी नाम सिमरन करदा है ते नाल आईयां संगतां नूं भी प्रेरदा है कि ये अनमोल घड़ियां जो आगा नाल नसीब होईयां हन इन्हां दा पूरा पूरा लाहा खटिया जाए। पिछले दिनां पांडव नगर दिल्ली दी संगतां ने भी इस पावन तीरथ दे दर्शनां लई उपराला कीता। बाबा शमशेर सिंह जी दी छत्तर छाया हेठ गुरु प्यारी साध संगत ने अपने कमर कस्से कीते ते जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आग्ञा लैके हरी सिमरन कर दियां 2 बसा श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शनों लई निकल पईयां। हरी कीर्तन कर दियां संगतां हरिद्वार हुंदियां होईयां ऋषिकेश पहुंचियां ते गुरु द्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश थोड़ा विश्राम करके अपने अगले पड़ा श्रीनगर नूं चल पईयां। ऋषिकेश तो श्रीनगर सारा रस्ता पहाड़ी है। एक पासे उच्चे उच्चे पहाड़ हैं ते दूजे पासे दिल दहला देने वाली डूंगियां खाइया। श्रीनगर एक बड़ा सुंदर शहर है।
जिस दी उचाई समुंदर दे तरातल तो लगभग 2000 फुट है। श्री हेमकुंड साहिब जाण वाले कुछ यात्रु इत्थे रात भी रुक जांदे हन ते कुछ लंगर पानी छक के जोशी मठ वल चाले पा दिंदे हन। जोशी मठ पहाड़ां दी बुक्कल विच वस्या होया एक रमणीक शहर है। कणी आबादी वाले इस शहर दी ऊंचाई समुंदर तल तो 6000 फुट है। श्रीनगर ते जोशी मठ दे इस मार्ग ते ही रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, नंद प्रयाग, चमोली ते पिप्पल कोटी वर्गे सोहणे शहर वसे होए हन। ऋषिकेश तो जोशी मठ दा फासला 252 किलोमीटर है। साडियां बसां बाबा शमशेर सिंह जी दी अगवाई हेठ जोशी मठ तो हरी कीर्तन ते नाम सिमरन करदियां होईयां गुरद्वारा गोविंद घाट वल वध गईयां। काफ़ी रात होण करके बसां दा गोविंद घाट पहुँचना मुश्किल सी, पर जिवें हेमकुंट दे तपस्वी दसम पिता ने आपे ही चानना पाया कि रात एक बिल्कुल नवीं थां जिसनू गोविंद नगर दा नां दिता गया है ते जिथे गुरद्वारा दमदमा साहिब दी शानदार बिल्डिंग भी उसारी जा रही है राती रुकण दा मौका मिलिया। ਇਹ ਸਥਾਨ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੱਕ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਤੀ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬੇਰ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪੁਰਬ ਵਸੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਸੋਮ ਤਵੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਤੀ ਦੁਰਗਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖੱਚਰਾਂ, ਪਿੱਠੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ
श्री दुष्ट दमन दे पावन तप अस्थान दे दर्शना लई अपने सारे कार विहारा नू भुल के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब जी की निघी गोद का आनंद माणन दूरों दूरों अपने मन दे वलवले लैके इत्थे पुजियां हन। बाबा जी तीर्थां बारे हमेशा ही ये फरमाउंदे हन कि जे तीर्थ करन जाइए तां अपने मन साफ रखिए, किसे वास्ते भी वैर विरोध नहीं रखना चाहिदा। गुरु नानक देव जी की भी बाणी विच ये जिक्र आउंदा है, नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पा लत्थी नात्या दो पा चढ़ी सहोर, बाहरों धोती तुमड़ी अंदर विस नकोर। यानी तीर्थां ते नावण नाल तन तो साफ हो सकता है पर मन की मैल किवें धुप्पे। जे मन मैला है, किसे वास्ते वैर है, इस दे अंदर ईरखा भरी हुई है तो तीर्थ नावण का कोई लाभ नहीं, नहीं। उल्टा होर भी पापा का भागी बनना पैंदा है। गोविंद घाट तो 13 किलोमीटर पैदल ही इस औखे पेंडे नू पूरा करके संगतां गोविंद धाम जिसका पुरातन नाम घागरिया है पहुँच गई। रात इशनान उपरांत लंगर पानी छक के गुरद्वारा साहिब वालों बनाए गए विश्राम घर विच संगतां आराम कीते ते बाबा जी द्वारा हरि कीर्तन का रस भी माणिया। कलगियां वालिया लिखां की सिफत तेरी, कलगियां वालिया लिखां की सिफत तेरी, कागद कलम तो तेरा आकार वड्डा, कागद कलम तो तेरा आकार वड्डा, तेरे चोज ते तेरी वड्याई वड्डी, तेरे चोज ते तेरी वड्याई वड्डी, तेरे गुणा दा चोजी भंडार वड्डा। तेरे गुणा दा चोजी भंडार वड्डा, तेरी तन कुर्बानी मेरे शैन शाजी, तेरी तन कुर्बानी मेरे शैन शाजी, कीता सिरां दा तुही व्यापार वड्डा, कीता सिरां दा तुही व्यापार वड्डा, जुगा जुगा ना लत्तना खालसे तो, जुगा जुगा ना लत्तना खालसे तो, सिख कौम ते तेरा योदार वड्डा, सिख कौम ते तेरा योदार वड्डा, पुत्र वार के कलगियां वाले ने, पुत्र वार के कलगियां वाले ने, बिना अंजू कैरिया पुत्र वार के कलंगिया वाले ने, पुत्र वार के कलंगिया वाले ने, पुत्र वार के कलंगिया वाले ने, संग ते इक बिना हंजू कैरिया, संग ते इक बिना हंजू कैरिया, पुत्र वार के कलंगिया वाले ने, पुत्र वार के कलंगिया वाले ने, तन जिगरा कलगिया वाले दा, तन जिगरा वाजा वाले दा, तन जिगरा कलगिया वाले दा, तन जिगरा वाजा वाले दा, तन जिगरा कलगिया वाले दा, तन जिगरा वाजा वाले दा,
ना चारे लाल तारम उत्तों वारे चारे लाल तारम उत्तों वारे चारे लाल तारम उत्तों वारे एक भी ना हंजू के रिया एक भी ना हंजू के रिया धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी तन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी नहीं किसे दिया बहारा नू खुसन दिता नहीं किसे दिया बहारा नू खुसन दिता पामे अपने बाग बुरान हो गए नहीं किसे दिया बहारा नू खुसन दिता पामे अपने बाग बरान हो गए हथी छावा कीतिया लखा पुत्रा नू हथी छावा कीतिया लखा पुत्रा नू अपने चारे दे चारे कुर्बान किते एक भी ना हंजू कह रिया एक भी ना हंजू कह रिया एक भी ना पुत्र वार के कलंगिया वाले ने पुत्र वार के कलंगिया वाले ने पुत्र वार के कलंगिया वाले ने तन जिगरा कलंगिया वाले दा तन जिगरा वाजा वाले दा तन जिगरा कलंगिया वाले दा तन जिगरा वाजा वाले दा चारे लाल धर्म तो वारे चारे लाल धर्म तो वारे एक भी ना हंजू कह रिया एक भी ना हंजू कह रिया एक भी ना एक भी ना हंजू कह रिया एक भी ना हंजू कह रिया एक भी ना धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस धरती ते होर ना कोई आया मेरे शहनशाह जी तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया देके पौल खंड तार दी खालसा पंथ सजाया देके पौल खंड तार दी खालसा पंथ सजाया दिल्ली दे वल पित
पिता तोर के तू दिल्ली दे वल पिता तोर के डुबदा धर्म बिचाया तू डुबदा धर्म बिचाया चार पुत्र गुरु धर्म तो बारे चार पुत्र गुरु धर्म तो बारे फिर भी शुक्र मनाया ताइयों कलगियां वालिया तैनू ताइयों कलगियां वालिया तैनू सब ने शीस नवाया तैनू सब ने शीस नवाया जी तैनू सब ने तैनू तैनू सब ने तैनू सब ने शीस नवाया जी तैनू सब ने तैनू शीस ओए तैनू सब ने शीस नवाया जी तैनू सब ने तैनू ओए तैनू सब ने शीस नवाया जी तैनू सब ने तैनू तैनू सब ने शीस नवाया जी तैनू सब ने तैनू साथ संगत जियो अज भागा नाल उह समां वी आ गया जदों संगतां ने गोविंद धाम तो 6 किलोमीटर ते 15,200 फुट उच्ची उस पवित्र पावन बर्फीली चोटी दी धूड़ अपने मस्तक लाउण लई अपने आखरी पड़ा गोविंद धाम तो चाले पाए। मुबारक हन ओ पल ओ कड़ियां जदों संगतां ने दशमेश पिता दी तपो भूमि नूं नमस्कार करन लई ते उस दी रज अपने मत्थे ते लाउण लई अपना आपा वी भुला दिता ते अपने सुरत गुरचरणा ते रख के पृथ्वी ते वसे होए सचखंड हेमकुंट पर्बत वल वधदे गए। ज्यों ज्यों उस पावन पवित्र चोटी दे नज़दीक असी पुज रहे सां तां वातावरण विच सतनाम वाहिगुरु दे जयकारे गूंज रहे सन। पहाड़ा तो डिगदे झरने भी रुक के संगतां दे सिदक ते भरोसे नूं सजदे करन लग पए। उच्चियां उच्चियां चोटियां ने भी चुक के गुरु संगतां नूं अपनियां बाहां विच समेट लिया। पवनां विचों मिठी मिठी सिमरन दी सुगंध हर तरफ फैल गई। बर्फां जिवें सतनाम वाहिगुरु दियां गूंजां सुन के तपश देण लग पईआं। थकेवां बहुत होने के बावजूद भी
इउं जापदा सी जिवें दशमेश पिता हथ फड के संगतां नूं आप ही अपने निवास वल ले जा रहे होण। इस अलौकिक ते दिल नूं छू लैण वाले नज़ारे नूं वेख के गुरबाणी दी ओ तुक अचनचेत जुबान ते आ गई, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। बर्फा नाल ढकियां उचियां उचियां चोटियां जिवें आसमान विच खुब जाण नूं बेताब होण। यात्री ये भी भुल जाता है कि पृथ्वी ते है जा आकाश उत्ते उडारियां ला रहा है। संगतां बर्फां दे ग्लेशियर इउं पार कर रही सन जिवें बच्चे लापरवाही नाल किसे पिंड दी पगडंडी नूं पार करते हैं। हज़ारां फुट उचियां चोटियां ते दूजे पासे मीलां डूंघियां खाइयां तो बेपरवाह गुरु चरणा दे प्यार विच भिजे हुए यात्रु अपनी धूनी विच अग्गे ही वधदे जा रहे सन, बिना किसे खौफ बिना डर दे। ए सी अपने मालक नाल प्यार ते उस दी मिठी गोद विच बैठन दा जज्बा। तन है ओ वाहिगुरु ते तन है उस दी प्यारी प्यारी साध संगत। संगतां ज्यों ही श्री हेमकुंट पर्बत ते पहुंचियां ते सब दे मूहों ए निकल पिया विस्माद विस्माद विस्माद। गुरबाणी विच सच ही लिखिया है कि हे वाहिगुरु, तेरा हर रंग विस्माद है, तेरी कुदरत विस्माद है, तेरे खंड ब्रह्मंड विस्माद हन, आश्चर्य हन आश्चर्य हन। बर्फा नाल ढकियां सत चोटियां ते विच बर्फ दा कुंड जिस विच पानी नहीं अमृत ही अमृत भरिया होया है। 33 करोड़ देवते भी इस हेमकुंट सरोवर विच इशनान वास्ते लोचदे हन। शीशे वर्गा साफ सरोवर जिस दी हर बूंद विच जुगां जुगां तो वाहिगुरु सतनाम दी मिठास कुली होई है। शीतलता इतनी कि जन्म जन्म दा थकेवा भी लै जावे। इउं जापदा सी कि वेद पुराणा विच जिस सचखंड बारे लिखिया है वह भी इस स्थान तो सुंदर ते रमणीक नहीं हो सकता। जिथे सुगंधित पवना हर वेले दरबार साहिब चवर टुला रही होण, वातावरण विच हरी सिमरन दी गूंज थोड़ी जई एकाग्रता भी होवे ता सुनी जा सकती है। इस पावन पवित्र अलौकिक बैकुंठ स्वर्ग तो सुंदर सचखंड दी जितनी भी तारीफ कीती जाए घट है। इंसान कोल इतने लफज भी नहीं हन जितने इस स्थान दे गुण हन। कोई कलम कोई जबान इस दियां पूरियां सिफतां नूं बयान नहीं कर सकती। इस पावन स्थान ते रमणीक नज़ारे अखां तो उतर के बदोबदी दिल विच समा जांदे हन, जिस दी मिठी मिठी याद यात्रुआं नूं सदा रहिंदी है। समुंदर तल तो 15,200 फुट की उचाई ते वसिया ए सचखंड अपनी मिसाल आप ही है। सत बर्फा नाल ढकियां आकाश छूंदियां चोटियां हर वेले इस तपो भूमि नूं सलामा दिंदियां हन। बर्फ कुंड जिस तो हर वेले अमृत छलक रहा है। कहिंदे हन इस पवित्र सरोवर विच अमृत वर्खा बन के पहला बद्रीनाथ ते केदारनाथ वरसदा है ता इन्हां महान तीर्थां स्थानां दे कपाट दर्शनां लई खुलदे हन। बलिहार हाँ इस पावन पवित्र हेमकुंट दे। कितनी शोभा कितनी वडियाई है इस अमृत सरोवर दी, जिस विच हर रात 2 बजे देवतियां दे इशनान करन दियां आवाज़ां सुनियां जा सकदियां हन। सब तो पहला संगतां ने इस पावन अमृत कुंड विच इशनान कीते ते उपरंत दरबार साहिब मत्था टेक के अपने शरदा दे फुल अपने गुरु दे चरणां विच भेंट कीते। ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
जी महंत पसवी अमृत के दाते गुरु जी अमृत के दाते गुरु जी कलगियां वाले बाजा वाले कमाल गुरु जी साहेब कमाल गुरु जी पुत्रों दे दानी गुरु जी पुत्रों दे दानी गुरु जी हेमकुंट वासी गुरु जी हेमकुंट वासी गुरु जी हेमकुंट वासी गुरु जी हेमकुंट वासी गुरु जी हेमकुंट ते तपस्या साधी हेमकुंट ते तपस्या साधी हेमकुंट ते तपस्या साधी हेमकुंट ते तपस्या साधी कथा में सुना मैं अपनी कथा में सुना मैं अपनी लंगर पानी दी इत्थे बड़ी सुंदर व्यवस्था कीती गई है। कुछ चिर ठहरन उपरांत क्योंकि मौसम नु ध्यान रखदे होए प्रबंधकां ने संगतां नु बेनती कीती कि समय सिर वापस गोविंद धाम पहुंचन दी कृपालता करन। सो सब संगतां खुशी खुशी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे पावन तप अस्थान नु नमस्कारे कीते ते दुष्ट ते पापियां दा संघार करन वाले अपने प्यारे गुरु श्री दुष्ट दमन तो इजाजत लैके वापस गोविंद धाम मुड़ आईया। सिमरन ते परवाह आउंदे होए भी लगातार संगतां वालों चलदे रहे। तेरी मर्जी विछड़न नू दिल ता नहीं करदा।
तेरी मर्जी, विछड़न नू दिल ता नहीं करदा, विछड़न नू दिल ता नहीं करदा। औरंगजेब तां कहिंदा मैं हिंदू बच्चा रहण ही नहीं देना कोई, मैं इस्लाम दा सिक्का चलाउणा, सारी दुनिया हिंदुस्तान की सारी दुनिया मुसलमान बना देनी है। कहिंदे उस वेले जदों पंडितां नूं हुक्म होया वी इन्हां नूं पकड़ के इन्हां नूं मुसलमान बनाया जावे, पंडित इकट्ठे हो के जदों इन्हां नूं लग्या खतरा हो गया, इह सारे पंडित इकट्ठे हो के साध संगत जी अमरनाथ पहुँचे। अमरनाथ जाके शिव जी पार्वती का मंदिर है अमरनाथ, तो जाके बेनती करते ने कि हे भोलेनाथ जी, सानू अज साडे ते की आफत आ रही है, सानू अज मुसलमान बनाया जा रहा है, यदा बचा करो, असी नहीं चाहते मुसलमान बनना। कहिंदे उतों आकाशवाणी होई, तुहाडा जे इस वेले कोई बचा कर सकदा ना, वह आनंदपुर साहब च बैठा है, गुरु नानक की गद्दी ते आवां गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, इस वेले पूर्ण गुरु वो बैठे ने आनंदपुर साहब दे विच। जे तुहाडे तुहाडा कोई बचा कर सकदा तो वह कर सकते ने। कहिंदे सारे पंडित पंडित कृपा राम की अगवाई विच सारे पंडित इकट्ठे होके आनंदपुर साहब पहुँचे। साध संगत जी आनंदपुर साहब आके बेनती की गुरु तेग बहादुर साहब न, उस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जड़े अजे गोबिंद सिंह नहीं बने से, गोबिंद राय से, अजे 9 साल दे सी साध संगत जी, किन्नी छोटी उम्र च उन्होंने किन्ना ज्ञान सी, जिन्हां दे दर्शन अज आप जी हेमकुंड पर्बत ते करन वास्ते आए हो, जिन्हां ने इत्थे इन्नी तपस्या आराधी, जिन्हां दा कोई अंत ही नहीं छड्डिया। पातशाह कहिंदे कहिंदे मैं ते परमेशर एक रूप हो गए, असी दोनों एक रूप हो गए। कहिंदे मैं इन्ना लीन हो गया सी भगती दे विच, मेरा दिल नहीं सी करदा हुण इत्थों आउण नूं, पर तुसी परमेशर जी सानूं बुलाया, हुण तां आउणा ही पैणा। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਜੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ
पिता नूं पुछदे ने, पिता जी इह कादे वास्ते आए ने, इह किस वास्ते आए ने, इहनां नूं की काम पै गया इकट्ठे हो के आए ने। कहिंदे काम इह पै गया वी अज हिंदू धर्म खतरे विच है, इत्थे किसी महात्मा नूं किसी महापुरख नूं बलि देनी पैणी आ। इह सलाह करन वास्ते आए से सानूं किवें बचाया जाए। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ, ਪਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पिछारो, यही काज तरा हम जन्म समझ ले हो साधु सब मन में, धर्म चलावन संतियों बारन, धर्म चलावन संतियों बारन, दुष्ट सबन का भूलियों पारन, धर्म चलावन संतियों बारन, दुष्ट साबन का मूल्य पारन, ताइयों होया जगत विच आना, मर्द या गमने दा, ताइयों होया जगत विच आना, yeah।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਕੁੱਟ ਪਰੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟ ਪਰੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ।